नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 66 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, तो 3,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 32 लाख से ज्यादा इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार, 6,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत, तो अब तक 1,09,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना संकट पर मोदी सरकार का फैसला, सरकार ने नई योजनाओं पर लगाया ब्रेक, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होंगी कोई नई स्कीम, तो केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का GST बकाया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, आज 68 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, प्रदेश में अब मरीजों की संख्या हुई 9,930, तो अब तक 213 मरीजों ने तोड़ा दम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम बैठक आज, VC के जरिए पुलिस अधिकारियों से करेंगे सीधा संवाद, कोरोना काल में पुलिस की ओर से किए गए प्रयासों पर होगी चर्चा।